آئیے مقامی کنڈا زبان سیکھیں اور مختلف مذاہب و ثقافتوں کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ اس عنوان کے ساتھ محمدیر کنڈا ویدکے اور مکتب فلاح دارین کی جانب سے طالبات و خواتین کو کنڈا زبان سکھانے کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں ایک اجلاس کے دوران ان طالبات نے اپنی سیکھ کو درشایا۔ ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲು ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಮಾತಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯ ಬಚ್ಚೋಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚೆ ಕಿಸ್ಮೇ ಕಮ್ಜೋರ್ ಹೇ बच्चे, कोई बच्चे पढ़ाई कोई पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, कन्नड़ा के बारे में कोई उनको नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी। मैंने उनको आसानी से बताया कि कन्नड़ा कोई तकलीफ नहीं है सीखने के लिए, बहुत आसान भाषा है। तो मुझे ये जानकारी है कि सब लोग मुसलमान लोगों को कन्नड़ा सीखना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हिंदू हो मुस्लिम हो सब लोग एक ही इंसान है। जब हम कन्नड़ा को प्यार करने लगेंगे, कन्नड़ा को अपनाने लगेंगे, तो जो भी आजकल ये दंगे फसाद हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इस सिलसिले में कन्नड़ा कोर्स का तीसरा बैच मुकम्मल करने वाली कुल 30 तालिबात को मेहमान खुसूसी कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर नागा भरण की जानिब से सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस मौके पर डॉक्टर TS नागा भरण ने मुस्लिम तालिबात को कन्नड़ा जुबान बोलते देख निहायत मसर्रत का इजहार किया। कहा कि बिला तफरीक दीन मजहब कन्नड़ा जुबान सभी को आपस में जोड़ रही है और इनके दरमियान उख़वत व मोहब्बत पैदा कर रही है। प्रतियोब कन्नड़िगन दलित बंडाय मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन यावदू अल्ल, प्रतियोब कन्नड़िगन तन्नतनवन्न हेगे प्रदर्शिस्ताने कन्नड़द जोतेयल्लिये प्रदर्शिस्ताने। सो अंत अद्भुतवादंत ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಹಾರಧೇರಿನ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ. ಇಸ್ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಕೆ ಸದರ್ ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಔರ್ ಫಲಹದಾರೈನ್ ಕೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಾನ್ ನೆ ಕಹಾ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜುಬಾನ್ ಸೀಖನೆ ವ ಇಸೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ व दीगर मजाहिब के दरमियान रही गलत फहमियाँ व दूरियाँ ख़त्म हो रही हैं। एक अवेयरनेस से और जो मदरसा में क्या किया है, मस्जिद में क्या किया करते नहीं, आओ बैठो देख लो, इतना खुश हुए कन्नड़ा कुरान लिए, कन्नड़ा किताबा लिए, पूरे कन्नड़ा आर्गनाइजेशन वाले तो खत बैठे, क्या है मदरसे के अंदर देखे बच्चे, ह्यूमैनिटी के काल जो करे हमारे राष्ट्र कवि कुवेंपू ईशो मानवा उनके बच्चे गए सब खुश हुए, अंख्या से देखे ऐसा भाईचारा बढ़ाना, हमें खाली बैठ लको कांगी बैठ लको मीटिंग कर सकते नहीं, फील्ड को आना, फील्ड को आकर परमेश्वर अण्णा को बुलाना, मुरली अण्णा को बुलाना, मिलना भाईचारा। जो हमारा हुजूर का ये जो था लोकल लैंग्वेज के वास्ते, जो साहबी कुछ चाइना को जाती तब जो इशारा करती तुम्हें चाइना की लैंग्वेज सीखो, तुम्हें तजारत करना है, हमें उनको पॉलिसी हमें अडाप्ट करना। और 3 महीने के अंदर वो कन्नड़ा अच्छी तरीके से बोलने लिखने और के काबिल किया गया है, और इस तरीके से कन्नड़ा हमारी कर्नाटक की जुबान है, ऑफिशियल जुबान है, तो इसमें हर आदमी को चाहिए कि कन्नड़ा सीखें, बोलें, बात करें, इससे एक मेल मिलाप होगा, साथ में मिलना उठना बैठना होगा, और उससे एक दूसरे को समझने की भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और हमारे अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी। उस तरीके से आजकल का जो माहौल है वो माहौल बदलने की एक तरीका शुरू होगा। इसके अंदर मेन क्या होता बोले तो, हमारी औरतें जब कोई ऑफिस को जाते हैं तो उधर कन्नड़ा में बात करते, उनको कन्नड़ा इनको समझ में नहीं आता, इन्हों बोलते सो उन वो लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती, सामने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनको उस वक्त के ऊपर इनकी लैंग्वेज में इन्हों बोलते हैं उर्दू में या दूसरे तमिल में, इसमें तो वो सामने से कन्नड़ा में बोलता है, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से, लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से सही से ट्रीटमेंट भी नहीं होता, और बसों को कहीं भी ट्रैवल करना कुछ भी है
तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है सीखने से बहुत फायदा है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।